ऐसे छोड़ रहा है? होंगे, आ जाओ बैठो। बैठ गए। और सुनाओ जी, ठीक ठाक जी? हाँ शर्मा जी, तुम सुनाओ, कैसा आना हुआ थारा? चौधरायण, मैं तो न्यू आया था। जहाँ तक तुम्हारे हिमांशु का ब्याह हुआ ना, तो मेरे दो छोरे भी ब्याह लायक हो रहे, तुम उसी भी कहीं से बात कर लो। देखो शर्मा जी, रिश्ता तो हम करवा देते हैं, पर थारे छोरे आवारा ना, तो वे कुछ हिल्ला करते हैं, अन्ना वे ढंग में रहते, वे तो आवारा छोरे की तरफ गली खूनते फिरे जा, उनके रिश्ता ना करवावे जी हम। देख ले चौधरी, अगर मेरे बालकों के ब्याह भी कहीं हो जाते, तेरे हिमांशु का ब्याह तो बहुत धूमधाम से हुआ। तो तुम मेरे छोरे से तुलना कर रहे हो अपने छोरे की? मेरा छोरा पढ़ा लिखा, कमेरा बतेरा, और रिश्ता बढ़िया क्यों ना आता? मैं बढ़िया कोठी में बैठी हूँ, हैसियत के हिसाब से रिश्ते आवे, आगे समझ में? मेरी बहू पढ़ी लिखी है, खूब दहेज लाई है, तेरे छोरे आवारा फिरते रहे, लड़ाई दंगा करते, मेरे छोरा मत तुल्ला कर रहे हैं। देखो जी चौधरायण, तुम तो गुस्से से मारी हो, मैं तो थर्ड नॉर्मल सी बात करने आया था। शर्मा जी, मैं गुस्सा ना हो रही, अब रिश्ते ब्याह का बड़ा कैड़ा मामला है, पर चलो तुम कह रहे हो तो कोई देखूं गरीब से घर की छोरी तेरे छोरों के लाख। चलो तो ठीक है चौधरी, मैं चलूं। ठीक है, बताओ जी, रिश्ता लेगा आ गया, रिश्ता करवा दो जी इसके छोरों का। हर वक्त तो वे लड़ाई दंगा करते फिरे जा, मुझे बुराई मिलेगी इसके करवा दिया तनु, भाई मेरी छोरी कहाँ करवा दी तुमने, मैं क्यों गाली खाने का काम करूँ भैया मतलब। अरे शर्मा जी, कैसा है, कैसे चल दिए? बस आया था, कुछ बात सी करनी थी, चलूं भाई। कैसे, क्या बात करनी मुझे बताओ? वो चौधरायण के द्वारा आया था मैं, अगमा कहा मेरे दो दो छोरे ब्याह लाग हो रहे, मैं कहा उनका ब्याह करवा दो कहीं तय, तो मैं कह लगी यहाँ देखूंगी बताऊंगी। शर्मा जी, ब्याह करवाने को हम करवा दे, उसमें कोई बड़ी बात ना है, पर एक बात तो बताओ, ना तो धाकड़ कुछ करता, ना अरुण कुछ करता, अरे अगला अपनी लोंडिया देगा वो इसलिए ही तो देगा कि कुछ लड़का करता हो। कह तो बेटा तो ठीक ही रहा है, पर बेटा ब्याह तो करना ही है। शर्मा जी, समय के अनुसार सब हो जाओगा, जब उनकी जोड़िया संजोग होएगा ना, तो तब अपने आप ही हो जाएगा, तुम्हें तो जांच भी ना पड़े। या बात तो हिमांशु तो ठीक कह रहा, इतना जुड़िया संयोग नहीं होता ना, इतना कुछ नहीं होता। चलो ठीक है शर्मा जी, चल बस देख लिए। ठीक, माँ जी ये लो चाय ले लो आप। ला, माँ जी मुझे आप एक बात बताओ, आप पूरे दिन बैठी रहती हो, अपने लिए एक कप चाय भी नहीं बना के पी सकते आप? अरे बेटी तू कैसा बोल रही है, तुझे पता ना मेरी डिश रख रही है, बेड रेस्ट बता रखा मुझे डॉक्टर ने, ये तो मैं चढ़ उतर लूं जीने पे, पर मेरी बस की ना है। माँ जी मुझे तो पता नहीं है, कभी तो तुम्हारी डिश सरक जाती है, कभी तुम्हारा हाथ उतर जाता है, कल को यूं कह दियो मेरे घुटने में दर्द है, हम तो तुमसे परेशान हो गए माँ जी। अरे जो बीमारी है तो है ही, मैं तेरे से झूठ बोल रही हूँ, और तू के तान ने मुझे नुमा रही है कि चाय को मैं उल्टी धर दूंगी, चाय उल्टी ना धरूं, चाय पीऊंगी और तू ही बना के देवेगी, मार ले तुझे इतने तान ने मार रही है। माँ जी आप पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, पी लो ये चाय, जा रही हूँ मैं नीचे। बता, मैं तो तेरी इतनी तारीफ करूं, मोहल्ले वाले ने कहा कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, हैं? तू मुझे चाय के ताने मार रही है। तो माँ जी मैं हूं नहीं अच्छी, पूरे घर का काम करती हूँ मैं, आप क्या करती हो, पूरे दिन बैठी रहती हो। अरे तो तेरा काम है तू कर, जब हम आए जब हमने करा काम, हमारी उम्र ही काम करने की, हमने बतेरा करा। माँ जी वो टाइम अलग था और ये टाइम अलग है। कुछ टाइम अलग ना है, सारी सोच अलग हो रही है। हाँ वही दिन चले हैं, गर्मी के सर्दी के चमासे के वही मौसम है, मुझे बता रही बेटे हम अलग है। ऐसी पीऊंगी चाय बैठ के। पड़े ही रहियो, काम ना करियो कुछ भी, हिला नहीं तुम्हें दोनों कुछ भी, एक फोन में लग रहा एक पड़ा, सारा गांव तन्ना दे रहा है मुझे आके कि तेरे बाड़ा कुछ नहीं करते, मैं तो सोच रहा थारा ब्याह करवा दूं, सब नु क्या काम तो वो कुछ करते नहीं। बैठ क्यों रहा फिर? ऐठ रहा बता रहा, बाप से बात करने की तमीज नहीं है, शर्म लिहाज नहीं रही तेरा, जो ऐसे ही चलता रहा ना थारा दोनों का ब्याह नहीं होने का, सब जिंदगी नहीं घूमोगे, बैठा लियो बन्नो। जेमी ब्याह करवा रहा कि लग तो ऐसी रहा, फिर तो प्यार तो बात करनी पड़ेगी। अजो पिताजी बैठो। अरे पिताजी हम तो मजाक कर रहे हैं, तुम भी बुरा मान जाओ थोड़ी सी देर में। अंधे बंदे दबा दूं? अरे बस है, पैर भी दबा दूं? बस 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 बस, तो फिर गला दबा दूं? हाँ मारा गला और दबा दे, वैसे तुमने मुझे जीने लायक छोड़ रखा कहीं? तो गलत क्या कह दी इसने? अच्छा तुम्हें पता ही ना क्या गलत कह दी। देखा।
समझ आता, कभी कुछ बतावे कभी कुछ बतावे। ऐसे ब्याह हो जाएंगे थारे जैसे तुम कारनामे कर रहे, सारे गांव को पता थारा। वैसे बापू कह तो ठीक ही रहा, अगर यूं ना रहा तो ब्याह कैसे होंगे भरे। यहाँ की बात पिताजी, ऐसी गलती अब दोबारा ना होने की, बस कैसे भी करके तुम हमारे ब्याह की ताल लगवाओ। ऐसा है, अब तो जा रहा हूँ मैं बागपत, और बागपत आके फिर जाऊँगा मैं अफजलपुर। अफजलपुर के करोगे? अरे अफजलपुर में तो रह वही मानसो। अच्छा हाँ, वही जाकर उससे बात करूंगा मैं, ठीक है। अब कहीं भी तंगा ना तारियो, कोई शिकायत ना मिल जा थारी। जैसे पिताजी ऐसी गलती ना हो, ठीक है, करवाऊ थारा जुगाड़ कहीं का। यूपीएससी खिलाड़ी अफजलपुर जाओ, एक बार ब्याह की ताल लग जाओ, फिर तैसा देख लूंगा मैं। नमीना तोड़ देंगे सर, खाऊ जाओ। देखा नहीं दो जड़ दिए बेफाल, दो तेर में दो मेर, उंगली में और मार गार। इसे थोड़ी दिखाई दे चोट, जा तो चलो पढ़ जा रहा हूँ। हिमांशु जी कैसे बैठे हो, क्या सोच रहे हो आप? सोच तो मैं यूं रहा हूँ, वो शर्मा जी आया अपने छोरों के रिश्ते की बात कह रहा कि कहीं से ताल लग जाए तो रिश्ता करवा दो। अब मैं यूं सोच रहा हूँ कि उसके छोरों का रिश्ता करवाओ किससे, उसके तो नलायक एक नंबर के। हिमांशु जी अगर बात इतनी गंभीर है तो कोई बात नहीं, मैं अपने मायके में बात कर लूंगी। अरे ऐसी टेंशन वाली बात ना है, रिश्ते तो हम करवा दें, पर शर्मा जी के बालक बहुत नलायक है, अगर हमने उनका रिश्ता करवा दिया कल को ऊंच नीच होगी तो हमारी इज्जत पर बात आ जाओगी। हिमांशु जी हर गांव में होते हैं अमीर और गरीब लोग, उनके हिसाब का भी कोई परिवार होगा हमारे गांव में। मैं मम्मी पापा से बात करके बता दूंगी, फिर आप डन कर देना रिश्ता। चल ठीक है, जा ठीक है। अरे यू और अपनी टेंशन लेकर बैठगी, मैं करवा दूंगी। अरे मैं तेन चाह रहा हूँ ना, हमारी इज्जत पर और बात आओगी, कल कुछ दिक्कत होगी, एक तो टूटता फूटता फिर हो जा, और हम तो बिल्कुल नलायक है ही उसका। कल बताओ किसी ने उंगली तोड़ दी उसकी। देख के तो लगा ले झाड़ू, कूड़े को मेरे ऊपर कोई उछटा रही है। माँ जी मुझे एक बात बताओ, मैंने नहीं देखा तो आप ही तो देख सकती हो कि मैं झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे माँ जी एक बात बताओ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपने तो मुझसे बोला था मेरी डिस्सा रख गई और मुझसे उठा बैठा नहीं जा रहा, अब क्या कर रही हो? तुम्हारे ना काम करने के बहाने हैं मारे ये। ए, मैं काम करूंगी इस उम्र में, तेरे का झाड़ डाल लूंगी मैं फिर, हैं? ब्याह भी करा मैंने बेटे का अपने घर, फिर तुझे बैठाऊंगी पालकी में झुलाऊंगी, काम मैं करूं। डिस्सा रख रही है तू तो, नूचा रही खाट में लग जाऊं मैं, उठो फिरू ना चलू ना। माँ जी मैं आपको काम करने के लिए नहीं कह रही हूँ, अगर चलो कह भी दिया तो तभी तो बोला होगा जब आप फ्री बैठी होंगी, जब आपको पता है मैं साफ सफाई कर रही हूँ, और साफ सफाई करने के बाद आपका खाना आपके पास पहुँच जाएगा, घूमने की क्या जरूरत है आपको, पूरे घर की सफाई कर रही हूँ मैं। अरे मैं तो अपनी दवाई लेने को आई, मैं कहाँ घूमती फिर रही हूँ, ये मतलब तो मेरे जुम्मा हो रही है। हाँ तो ले लो अपनी दवाई और मुझे मेरा काम करने दो, इधर से उधर घूमती रहती है, शांति से एक जगह बैठ नहीं सकती है ये। अरे तू क्यों ले जा रहा है हिमांशु के यहाँ, बुढ़ाऊ गया तो? हाँ अरे खुद ही चल के बात करेंगे, मुझे बुढ़ाऊ पे बिल्कुल विश्वास नहीं, ले दी गई एक रिश्ता हिमांशु करवा रहा, चल रहे देखेंगे। अच्छा भाई राम राम। अरे राम राम अरुण धाकड़, क्या हाल है थारे? अरे ये उंगली कहाँ तुड़वा ली तन्ने? अरे मुठभेड़ चलती रहे हमारी, कहीं टूट जावे या तो मुठभेड़, जब ऐसे काम करते फिरोगे तो ऐसी टूटेगी उंगली। क्या सुनो कैसा आना हुआ थारा? अरे हमने सुनी भाई तुम्हारा रिश्ता करवा रहा कहीं थे। देख भैया रिश्ता तो मैं थारा करवा दूं, पर थारे लक्षण ना रिश्ते लाए, तुम तो लड़ाई ढूंढे करते फिरो, और अभी तू बता रहा मुठभेड़ होगी, किसी दिन तू मुठभेड़ में ढेर होगा तो अगली उतर विधवा हो जाओगी, और विधवा हो जाओगी बेचारी को कौन संभाल लेगा फिर? अरे मुठभेड़ में भी तो एक अद्धा ही तो ढेर हो सके, एक तो एक गायू देख लेगा। अरे भैया तुम्हें कुछ और बात हो तो बताओ, नहीं तो मैं तो चलू घर को, मुझे तो बहुत काम है। अरे भैया हमें रिश्ते की बात करनी है, करवा दे हमारा कैसे तैसे करके। भैया रिश्ता नहीं हो थारा, और कुछ काम नाम है यार, करवा दे भाई। देखूंगा अगर लगी कहीं से ताल।
चलो अब तुम जाओ घर। एक कहीं ब्याह करवा दे बस। अरे भैया मैं करवा दूंगा, अगर कहीं से तार लगी तो मैं जरूर करवा दूंगा। बता कब तक दोगे लूट बताओ। अभी एग्रीमेंट करवाओगे के? मैं तो सोच रहा इसी कर दो। यार तुम तो दोनों बोल लो बहुत हो, थारा नहीं ब्याह ना हो रहा कहीं से, दिमाग खराब कर रहे हैं। ऐसे ना होने का थारा रिश्ता जैसे तुम ड्रामे करते फिर रहे हो, कोई मुठभेड़ करता फिर रहा। अरे भैया हम ये मुठभेड़ छोड़ देंगे, तू बस ब्याह करवा दे यार। अरे भैया मैं कैसे भरोसा कर लूं तुम पे, तुम आज कुछ कर रहे हो कल को ना करने गए हो। भाई मुझे कतई यकीन नहीं है तुम पे। विश्वास नाम की भाई कोई चीज होती होगी यार। नहीं विश्वास, आज के टाइम में कौन विश्वास कर रहा। हर तो करो ना विश्वास, तुम करो। अरे भैया जब हमने तेरे से कह दी कि अगर कोई रिश्ता हुआ तो मैं करवा दूंगा, कोई समझ में आया मेरे, कोई थारे जैसा ही हुआ मुठभेड़ करने वाला तो उससे तो करवाऊंगा। तो बताओ कब तक बता दोगे मैं। अरे भैया तुम तो एग्रीमेंट साइन करूंगा अभी। तो हम कच्ची समझे या पक्की समझे, मैं तो बस यू बता। भैया कच्ची पक्की तो बाद में बताऊंगा मैं, पहले अगलों से बात करूंगा, तुम्हारे बारे में बताऊंगा, सारा बायोडाटा बताऊंगा उन्हें। भाई इतने होनार बालक है, तभी तो होएगा। इस काम को तुम जल्दी करो। ठीक है चलो तुम खड़े हो, खड़े हो चलो। तो भाई साहब करवा ली। अरे भैया करवा दो जाओ यार, हद कर दी, पता ना कैसे थम रहे हैं। दिव्या अरे बन गई रोटी ना बनी? हाँ माँ जी बोलो क्या हुआ, तुमने तो मेरा खून ही पी के रख लिया। अरे मैंने क्या खून पी लिया, मैं तो रोटी की पूछ रही हूँ तेरे से बनी ना बनी। माँ जी मेरे हो रहा सर में दर्द, खाना आप खुद बना लो, मेरे बस की नहीं है बनाना, जब देखो मेरे पीछे पड़े रहती हो काम के लिए। पता मैं इसके क्या पीछे पड़ रही हूँ, रोटी की कह दी तो इसके पीछे पड़ रही। माँ जी दो रोटी खुद भी तो बना के खा सकती हो, या मेरे ऊपर ही रहती हो आप कि वो बना के लाएगी तभी मैं खाऊंगी। मैं अपना आप बना के खाती तो तुझे क्यों लेकर आती है घर में, कुछ कह रही ना तो तू तो सिर पे ही चढ़ जा रही है। माँ जी वैसे तो आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है कि आप चल फिर नहीं पाती हो, वैसे आप इतनी चिल्ला रही हो कि पूरा घर सर पे उठा रखा है आपने। माँ जी मेरे से फालतू बोलने की जरूरत नहीं आपको। तेरे से क्या फालतू बोल रही हूँ, मैं रोटी कोई तो कह रही हूँ। अरे ना बनी तो तू आराम से भी कैसा कहेगा भी ना बनी, तू तो अथार का आ रही है मेरे ऊपर को। मैं अब भी आराम से कह रही हूँ, मेरी बात मान लो, मेरे बस की ना रोटी बनानी, खुद बनाओ और खाओ, मेरे बस की ना। दिव्या तू कैसा बात कर रही है माँ से, मैं तमीज है थोड़ी बहुत ना। अजी मेरी तबीयत खराब है और माँ जी देखो मुझे खाने के लिए बोल रही है, मैंने सिर्फ इतना ही तो बोला कि खुद बना के खा लो। तेरी तबीयत खराब है दिव्या, तू कैसी बात कर रही है, माँ फिर भी कुछ ना कुछ काम कर ले। तुझे पता ना मारे कितनी दिक्कत है, हाथ में इसका दर्द है, डिश इसकी सर की पड़ी है। हिमांशु जी आप मेरी बात तो सुनो, मेरी तबीयत खराब है, माँ जी को अगर मैंने खाने के लिए बोल दिया तो क्या हो गया, और आप भी मेरे पे भड़क रहे हो आके। तुझे बता रहा हूँ आज के बाद माँ से ऐसी बदतमीजी से बात नहीं करेगी। अरे तू क्यों लड़ रहा है बे मतलब की? हिमांशु? हाँ शर्मा जी तुम बताओ। भाई हिमांशु मैं आया था दोनों बालकों के ब्याह के खातिर, या लल्ली बता रही थी ना उस दिन कि मेरे मायके में कोई रिश्ता है, पर भाई मैं अब नहीं करूं। अरे क्यों ना करे शर्मा जी, कर ले, मैंने बतेरी धार लल्ली ब्याह करवा के, तू भी कर दे उनका। भाई मुझे ना करना इस लल्ली के माता ब्याह, इससे तो मेरे बालक दोनों कुआरे रह जाना। तो भैया जा तू अब रोटी बना ले जाके, रान चला रही है। लड़क रहा मत ना, प्यार से क्या करे कादी बात। प्यार डरा है।